नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है कम्युनिटी इकोलॉजी। आज इसका पार्ट वन हम पढ़ेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके, कितने तरह की होती है, इनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, कम्युनिटी क्या होती है। आपको मालूम है, एन एग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर, एक पर्टिकुलर एक कॉमन हैबिटेट में जितने भी अलग अलग स्पीशीज की एक पॉपुलेशन होती है, या तो वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट होते हैं, और उनके लिए जो भी एक क्लाइमेट होता है वहाँ का, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस होता है वहाँ पर, और ये सब मिलकर एक बायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे कि पॉन्ड या लेक में पाए जाने वाले सभी प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ की एक पॉन्ड कम्युनिटी बनाते हैं, जबकि किसी फॉरेस्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ की एक फॉरेस्ट कम्युनिटी बनाते हैं। और ये इस तरह से ये दो अलग अलग टाइप के बायोटिक कम्युनिटी है। कुल मिला के इसके डेफिनेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, द ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल पॉपुलेशन शेयरिंग अ कॉमन हैबिटेट resulting in the development of biotic communities. Different plants और animals की जो populations हैं वो एक common habitat में जब रहते हैं तो वो वहाँ की community बनाते हैं। Communities दो तरह की होती हैं, पहली major community और दूसरी minor community. Major communities क्या होती हैं, It is a large community. एक बड़े स्केल पे कम्युनिटी होती है जो कि सेल्फ रेगुलेटिंग होती है, स्वयं द्वारा नियमित होती है, सेल्फ सस्टेनिंग होती है। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब है आत्मनिर्भर होती है, एंड उसमें कई सारे इंडिपेंडेंट यूनिट्स मिलकर एक बड़ी कम्युनिटी बनाते हैं। जो एक छोटी कम्युनिटीज होती हैं, जो कई सारी, वो सभी मिलकर एक बड़ी मेजर कम्युनिटी बनाती हैं, जैसे कि एक पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट, डिजर्ट, एक मीडो एंड ग्रासलैंड, ये सभी मेजर कम्युनिटीज हैं। इनमें कई तरह की माइनर कम्युनिटीज पाई जाती हैं। माइनर कम्युनिटीज क्या होती हैं, इट इज अ स्मॉलर कम्युनिटी। ये मेजर कम्युनिटी के अंदर ही छोटी छोटी जो कम्युनिटीज पाई जाती हैं उनको माइनर कम्युनिटीज कहते हैं। इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर कम्युनिटीज फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, इनका एग्जिस्टेंस बना रहे इसके लिए दूसरी कम्युनिटीज पे ये डिपेंडेंट होते हैं। ये पिछले मेजर कम्युनिटीज की तरह सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं होते, ये दूसरे कम्युनिटीज पे डिपेंडेंट होते हैं और एक तरह के सब मिलकर एक मेजर कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे कि आगे बताया गया है, द मेजर कम्युनिटी एग्जाम्पलीफाइड बाय अ फॉरेस्ट, अगर हम एक फॉरेस्ट की को हम एक मेजर कम्युनिटी मानते हैं तो उसमें जो छोटी छोटी माइनर कम्युनिटीज होंगी वो कौन कौन सी होंगी, एक प्लांट कम्युनिटी भी होगी जिसमें वहाँ के जितने भी प्लांट पॉपुलेशन होंगे उस फॉरेस्ट के वो होंगे, एनिमल कम्युनिटी होगी जो एनिमल पॉपुलेशन होगी वो होगी, एंड तीसरी माइक्रोबियल कम्युनिटी भी होगी जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई पॉपुलेशन इत्यादि प्रेजेंट होंगी। तो इस तरह से ये प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल कम्युनिटी जो है वो एक बड़े फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर ये माइनर कम्युनिटीज हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी, कैसे क्लासिफाई करें कम्युनिटी को। अलग अलग इकोलॉजिस्ट ने इसके लिए अलग अलग व्यू पॉइंट्स दिए हैं। ज़्यादातर जो है इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, वहाँ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, कंसिडरेशंस हैं, उसको ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। जैसे दो मुख्य प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, इन टर्म्स ऑफ देयर जनरल शेप एंड ग्रोथ फॉर्म, ग्रोथ फॉर्म वहाँ की कैसी है, विद अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जो है वहाँ का, उसके हिसाब से जो कम्युनिटी है उसको क्लासीफाई करते हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटी, डेजर्ट कम्युनिटी, इस तरह से वेटलैंड कम्युनिटी, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। दूसरा है, किसी भी हैबिटेट में पानी की उपस्थिति, जल की उपलब्धता कैसी है, उसके आधार पर हाइड्रोफाइट्स होते हैं, मेसोफाइट्स होते हैं, ज़ीरोफाइट्स होते हैं, ये अलग अलग तीनों कम्युनिटीज़ हैं। जैसे कि अगला है, लाइट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, हेलियोफाइट्स एंड सायोफाइट्स, जिसको कहते हैं धूप पसंद करने वाले पौधे और छाया पसंद करने वाले पौधे। क्लीमेंट्स ने 1916 में इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज़ किया, पहचाना कि जो प्लांट कम्युनिटी एक पर्टिकुलर स्थान पर होती है वो हमेशा सेम नहीं होती, जैसी नहीं रह जाती, उसमें कुछ सक्सेशनल स्टेजेस के जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो कम्युनिटीज़ को दो पैरेलल लाइंस में क्लासिफाई किया,
पहला सीगल कम्युनिटीज। सीगल कम्युनिटीज मतलब होता है वो कम्युनिटी जो कि सक्सेशनल स्टेज उसमें अभी चल रही है, उसमें सक्सेशन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि वो इन द प्रोसेस ऑफ चेंज अभी भी है। और दूसरा है स्टेबल कम्युनिटी, जिसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी कहते हैं। यहाँ सक्सेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब जो वहाँ पर कम्युनिटी विद्यमान है वो अपने क्लाइमेक्स पे है। अब है सामान्य जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी पर्ट कम्युनिटी को, वो कौन कौन से होते हैं और क्या दर्शाते हैं। पहला स्ट्रक्चर, वहाँ की संरचना कैसी है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की। कुछ पैरामीटर्स लिए जाते हैं जो किसी भी कम्युनिटी की संरचना को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि डेंसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड अबंडेंस, जो वहाँ के स्पीशीज हैं उनकी कितनी है, कैसी है। जैसे कि डेंसिटी बताती है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द स्पीशीज, कोई स्पीशीज न्यूमेरिकली कितना स्ट्रांग है, कि संख्यात्मक रूप से कितना मजबूत है, कितनी संख्या है उसकी, वो उसकी डेंसिटी बताती है। फ्रिक्वेंसी डिग्री ऑफ डिस्पर्सन, उस पर्टिकुलर जो स्पीशीज है, इंडिविजुअल स्पीशीज है जो उस एरिया में, उस हैबिटेट में, उसका बिखराव कैसा है ये बताती है। अबंडेंस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज पर यूनिट एरिया, एक इकाई एरिया में जो इंडिविजुअल है, जो स्पीशीज है, उसका कितना संख्या है, वो उसका अबंडेंस बताती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। किसी भी कम्युनिटी सिर्फ एक प्लांट से नहीं बनती, उसमें कई तरह के, विविध तरह के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है द कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज के बहुत सारे प्लांट्स एनिमल प्रेजेंट होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ अलग लाइफ फॉर्म्स के होते हैं, कुछ ग्रासेस होती हैं, श्रब्स होती हैं, ट्रीज भी होती हैं। तो ये कुल मिलाकर वहाँ की डाइवर्सिटी को प्रदर्शित करते हैं। देयर आर टू लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी दो लेवल की हो सकती है। पहली रीजनल, रीजनल डाइवर्सिटी जो होती है वो बड़े आकार की होती है, मतलब एक लार्ज एरिया को कवर करती है। लार्ज एरिया की जो डाइवर्सिटी है उसको हम रीजन, जैसे रीजन मतलब क्षेत्र, उसको उसे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा लोकल डाइवर्सिटी, ये एक छोटे से एरिया की, स्मॉलर एरिया की जो डाइवर्सिटी होती है उसको लोकल डाइवर्सिटी कहते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं कहीं की डाइवर्सिटी को शो करने के लिए, इंडेक्स के फॉर्म में डिफरेंट इंडाइसेस एंड पैरामीटर्स आर यूज्ड, जिससे कि हम ये बता सकें कि वहाँ की डाइवर्सिटी कैसी है। उसका एक एग्जाम्पल है शैनन वीनर इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज डोमिनेंस। एक कम्युनिटी के जो सभी प्लांट्स होते हैं उनका सभी का बिखराव, सभी की डेंसिटी, डोमिनेंस सब एक जैसी नहीं होती, सभी के नंबर्स एक जैसे नहीं होते। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि संख्या के आधार पर या कवर के आधार पर बहुत बड़े होते हैं, संख्या उनका आंकड़ा बड़ा होता है और उसी के नाम पर वो वहाँ की कम्युनिटी पहचानी जा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल कोनीफेरस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ये भी है लेकिन उसमें कोनीफेरस प्लांट्स की अधिकता है इसलिए उसको कोनीफेरस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये कोनीफेरस जो प्लांट्स है वो वहाँ की डोमिनेंट स्पीशीज है, इसी को कहते हैं डोमिनेंस। इसको कैसे पहचाने, बेसल एरिया या फिर कवर, जो बेसल कवर होता है या प्लांट कैनोपी कवर होता है, ये एक तरह से इंडेक्स है डोमिनेंस को प्रदर्शित करने का। बेसल एरिया क्या होता है, बेसल एरिया इज अ लैंड एरिया कवर्ड बाय डिफरेंट प्लांट स्पीशीज। जितना लैंड एरिया एक प्लांट जो है स्पीशीज वो कितना कवर करता है वो उसका बेसल एरिया होता है। अगर वो हर्बेशियस स्पीशीज है तो ग्राउंड लेवल पे कितना कवर करता है, और अगर ट्री स्पीशीज है तो डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, करीब 1.5 मीटर ऊंचाई पर वो कितना एरिया कवर करता है, ये पैरामीटर लिए जाते हैं बेसल एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब होता है संबंध, एक दूसरे से संबंध रखना। प्लांट्स बिलोंगिंग टू और मोर डिफरेंट स्पीशीज ग्रो नियर वन अनदर, दे फॉर्म अ कम्युनिटी। कई सारे प्लांट्स एक साथ एक कम्युनिटी में रहते हैं, उनमें कई में इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन जो होता है वो पॉसिबल होता है। वो कब होता है, अगर वो स्पीशीज एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हों या फिर हैव सिमिलर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हों, या फिर तीसरा स्पीशीज बिलोंग टू डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, एक ही हैबिटेट में हों, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया है लेकिन उनके लाइफ फॉर्म्स अलग अलग हों, तो वो किसी ना किसी तरह से आपस में इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन उसमें दिखाई देता है। इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन आज चीफली इन रेस्पेक्ट ऑफ फूड एंड स्पेस, स्थान और फूड इन्हीं के जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड अगर हैं
तो वहाँ पर लिमिटेड मतलब उन्हीं की उपलब्धता के आधार पर ये एसोसिएशन प्रदर्शित होते हैं। जैसे कि तीन तरह के एसोसिएशन है, पहला कंपटीशन, दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन, तीसरा कोहैबिटेशन। कंपटीशन, अगर फूड एंड स्पेस लिमिटेड है तो एक तरह से प्लांट्स को उनको पाने के लिए कंपटीशन होता है। जो सक्सेसफुल होते हैं वो स्थायी हो जाते हैं, उनकी वृद्धि ज़्यादा होती है, और जो कमज़ोर होते हैं वो उनकी वृद्धि ज़्यादा नहीं दिखाई देती। तीसरा स्ट्रेटिफिकेशन, वो आगे के स्टेप में आपको दिखाऊंगी अभी आपको। कोहैबिटेशन, एक ही हैबिटेट में अगर कई सारे प्लांट्स लगभग इक्वली शेयर करके रहते हैं, दैट इज कोहैबिटेशन। यहाँ पर आप देखिए स्ट्रेटिफिकेशन, नेचुरल फॉरेस्ट कम्युनिटीज जो होती हैं उसमें, जैसा कि आप चित्र में देखिए, उसमें कई लेयर्स के प्लांट्स पाए जाते हैं। कई लेयर के प्लांट पाए जाते हैं, जैसे कि दिस इज फर्स्ट लेयर, ग्राउंड लेयर, जहाँ पर जो बहुत ही हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं ग्राउंड लेयर पे वो पाए जाएंगे। उसके ऊपर श्रब लेयर, जो श्रबी प्लांट्स हैं, झाड़ीनुमा प्लांट्स हैं, उनकी एक लेयर प्रेजेंट होती है। उसके ऊपर अंडर स्टोरी लेयर, अंडर स्टोरी लेयर और कैनोपी लेयर में जो डिफरेंस वो मैं यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से बताती हूँ। कैनोपी लेयर जो है वो लेयर होती है किसी भी प्लांट्स फॉरेस्ट में, एक लगभग औसत एक ऊंचाई होती है फॉरेस्ट की, जिसको हम कहते हैं कैनोपी लेयर, सबसे ऊंची जो लेयर होती है दैट इज कैनोपी लेयर। उसके नीचे की, ठीक नीचे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उस कैनोपी लेयर से नीचे तक रह जाते हैं, उनको बोलते हैं अंडर स्टोरी लेयर, क्योंकि कैनोपी लेयर इज स्टोरी लेयर। जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि रेन फॉरेस्ट वगैरह में, जहाँ पर या फिर धूप कम पड़ती है जहाँ पर, वहाँ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं धूप तक पहुंचने के लिए, उनके पत्तियों को, पेड़ों को धूप अच्छे से मिल सके, इसलिए वो जो कैनोपी लेयर है उनसे ऊपर निकल जाते हैं, इनको बोलते हैं इमर्जेंट लेयर। सबसे हाईएस्ट लेयर ये है, यहाँ पर जैसे कि इस प्लांट की इमर्जेंट लेयर में है ये। इस तरह से ये प्लांट्स अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में एक फॉरेस्ट कम्युनिटी में प्रेजेंट होते हैं, इसी फिनोमिनन को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इकोलॉजिकल नीच। इकोलॉजिकल नीच क्या होती है? एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ दिस कम्युनिटी, ये कंपोनेंट्स क्या हैं, स्पीशीज हैं, अलग अलग स्पीशीज ऑफ द कम्युनिटी, वो अलग अलग जोन में रहती हैं, अलग अलग स्ट्रेटा में रहती हैं, अलग अलग लेयर्स में रहती हैं, जो उनके इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, जो उनके रिक्वायरमेंट इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को सूट करती है उस स्थान पर वो बनी रहती हैं। इस तरह से जो प्लांट्स हैं उनके सबके अलग अलग रोल डिफाइंड होते हैं, जो उनकी कम्युनिटी में उनका रोल प्ले करते हैं। द वे ऑफ लाइफ एंड द रोल ऑफ ईच स्पीशीज इज रेफर्ड टू एज नीच। उनका जो हैबिट है और उनका जो एरिया है रहने का, आवास का, वो उनका नीच बनाता है। इस तरह से अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो इकोलॉजिकल नीच इज ए स्मॉल हैबिटेट विद इन द हैबिटेट इन विच ओनली सिंगल स्पीशीज कैन सर्वाइव। यानी कि वो स्थान जहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीशीज, एक सिंगल स्पीशीज का अपना वो स्थान वो सूटेबल नहीं रह सकता है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, वो उसका नीच होता है। इसको ईपी उदम ने कैसे बताया था, उन्होंने हैबिटेट और इकोलॉजिकल नीच में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है उसको इन्होंने क्लियर किया है कि दोनों में क्या अंतर है। हैबिटेट इज एन ऑर्गेनिजम्स एड्रेस। जो हैबिटेट होती है वो एक तरह से उस ऑर्गेनिज्म की एड्रेस है, जबकि इकोलॉजिकल नीच जो है वो उसका प्रोफेशन है, वो कैसे रहता है। तो ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट इज इकोटोन एंड इको एज इफेक्ट। इकोटोन क्या होती है, एज इफेक्ट क्या होता है, ये इसमें आप देखिए। सभी जो कम्युनिटीज होते हैं उसकी स्पेशल लिमिट होती है, स्पेशल मतलब स्थान के, वो किस स्थान तक रहेगी वो उसकी लिमिट एक होती है। तो एक तरह से जैसे कि पॉन्ड कम्युनिटी है, जहाँ तक पानी अवेलेबल है वो वहाँ तक होती है। अगर कोई फॉरेस्ट कम्युनिटी है तो जहाँ तक उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की इकोलॉजिकल कंडीशन है वो वहाँ तक रहती है। कोई मीजोफाइट है पॉन्ड के एडजेसेंट, उसके पास में ही, तो वो पानी के प्रेजेंस में जीवित नहीं रह सकता। तो इस तरह से मीजोफाइट और जो हाइड्रोफाइट है वो वहाँ पर एक बाउंड्री बनी रहती है, इस बाउंड्री को बोलते हैं इकोटोन। मतलब कि दो तरह की जो कम्युनिटीज़ है उनके बीच की जो बाउंड्रीज हैं उसको इकोटोन बोलते हैं।
The zone of vegetation which demarcates the transition of one species type of community into another is called ecotone. यानी कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में जब ट्रांजिशन हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसके बीच की जो बाउंड्री लाइन है दैट इज कॉल्ड इकोटोन. सामान्यतः ये होता है कि जब भी इकोटोन कहीं पे होता है तो एक जो दोनों की बॉर्डर है, बाउंड्री है दोनों की, उनके बीच में जो स्पीशीज पाई जाती हैं वो दोनों की अलग अलग स्पीशीज की टोटल मात्रा के से ज़्यादा पाई जाती हैं. वजह यह है कि वहाँ पर मेजोफिट के भी मेजोफाइट्स भी अडॉप्टेड है और हाइड्रोफाइट्स भी अडॉप्टेड है. तो अगर मेजोफाइट और हाइड्रोफाइट के बीच में जो इकोटोन है वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर जो वैरायटीज है प्लांट्स की वो हाइड्रोफाइट से और मेजोफाइट से ज़्यादा पाई जाती है. तो इस फिनोमेनन को कहते हैं एज इफेक्ट एंड इज एसेंशियली ड्यू टू वाइडर रेंज ऑफ सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस. क्योंकि वहाँ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो प्योर हाइड्रोफिटिक नहीं भी नहीं है और प्योर मेजोफिटिक भी नहीं होती. नेक्स्ट इज कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी एंड ट्रॉफिक स्ट्रक्चर. किसी भी कोई भी कम्युनिटी है वहाँ पर जो एक बायोमास का नेट प्रोडक्शन है और जो स्टोरेज ऑफ एनर्जी है, अगर वो पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया, इसको कहते हैं कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी. क्योंकि जब वहाँ पर ऑटोट्रॉफ भी होंगे, हेटरोट्रॉफ भी होंगे, तो बायोमास का प्रोडक्शन होगा ऑटोट्रॉफ की प्रेजेंस में और स्टोरेज ऑफ एनर्जी भी होगी. तो इस तरह से जो भी स्टोरेज ऑफ एनर्जी एंड जो भी उसकी प्रोडक्शन ऑफ बायोमास है उसको पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया, उसको हम कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी कहते हैं. क्योंकि किसी भी कम्युनिटी में कुछ ऑटोट्रॉफ्स भी होंगे जैसे कि प्लांट्स और कुछ हेटरोट्रॉफ्स भी होंगे जैसे एनिमल्स, और ये सभी एक दूसरे के साथ सेल्फ सफिशिएंट परफेक्टली बैलेंस्ड असेंबलेज में रहते हैं. नेक्स्ट इज सक्सेशन एंड बायोटिक स्टेबिलिटी. आपने आगे ही पढ़ा कि सीरियल स्टेजेस प्रेजेंट होती है. ये क्लीमेंट्स ने बताया था किसी भी कम्युनिटी में अलग अलग सक्सेशनल स्टेजेस पाई जाती हैं और इसी को हम सीरियल स्टेजेस भी बोलते हैं. और ये सीरियल स्टेजेस जो है, ईच कम्युनिटी हैज़ इट्स ओन डेवलपमेंटल हिस्ट्री. और ये सभी जो सीरियल स्टेजेस हैं ये एक डेवलपमेंटल हिस्ट्री को बताती हैं. अ बायोटिक कम्युनिटी हैज़ द एबिलिटी टू क्विकली रिगेन इक्विलिब्रियम आफ्टर अ डिस्टर्बेंस इन पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन. और जैसे कि जो क्लाइमेक्स स्टेजेस होती हैं, सेकेंड बताया था क्लीमेंट्स ने कि सेकेंड जो लाइन है वो है क्लाइमेक्स का. तो क्लाइमेक्स इज अ स्टेबल वेजिटेशन, लेकिन जो भी कम्युनिटी है वहाँ पर कहीं किसी पर्टिकुलर स्थान की, उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है, कोई फ्लक्चुएशन होता है उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, तो जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो उस इक्विलिब्रियम को, जो क्लाइमेक्स कंडीशन की इक्विलिब्रियम को, उसको रीगेन करने की कोशिश करती है. इसी को कहते हैं बायोटिक स्टेबिलिटी. और ये बायोटिक स्टेबिलिटी जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग स्पीशीज इट कंटेन्स. यानी कि डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी, डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बायोटिक स्टेबिलिटी. थैंक यू. आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. आप इस चैनल पर लॉग इन करके अपने कमेंट्स डाल सकते हैं और इसको देख सकते हैं. धन्यवाद.